अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त अभी तक भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी खिदमत सर अंजाम पेश कर रहा हूँ। एक माँ और एक 15-16 साल की बच्ची नौजवान गांव की मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं थक गया था खड़े होकर इंटरव्यू करते करते, इसलिए मैं बैठ के कर रहा हूँ इंटरव्यू, क्योंकि इनका घर बहुत दूर था। मैंने कहा बैठ के इंटरव्यू करवा लो, मैं अब लाहौर निकलने लगा हूँ। तो सारी तफसीलात इनसे जानते हैं, ये सोशल मीडिया पर क्यों आ रही हैं। सरेकी में बात करेंगी या उर्दू में? सरेकी ज गाल करे से, चल कर गाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तेरा? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ए सुना, रिश्ता तेरा थिया पे कोई ना? जी हो गया रिश्ता। केड़े पासु थिया पे? जी दे हिंद पे अहमदपुर से आले चोया जी। अच्छा अपने रिश्तेदारन दे? हां जी। अच्छा बेटा ये दस, तू सोशल मीडिया ते क्यों आ रही है? जी गरीब है ऐसे ले है ता आंदे पे है। अच्छा अच्छा। अबू नहीं है? अबू फोत हो गए? जी अबू फोत हो गए ने। अच्छा बच्ची की अम्मा जान से भी बात करते हैं, वो काफी घबरा रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गरीब हूं, मेरी नौजवान बेटी है, मैंने कोई इमदाद मिली चाहिए। ते बेनजीर इनकम सपोर्ट दा पैसा ते खान साहब जरा पैसा भेजा एहसास प्रोग्राम ला, ओ कोई नहीं मिलया? कोई नहीं मिलया, कोई नहीं मिलया। कोई कार्ड शार्ड भी बनया? कोई दरखास्त भी दीती? कोई ना? कोई ना। कोई नहीं पैसा मिलया? कोई नहीं मिलया। है बेटा सही आदि पिए? जी। अच्छा ते कितनी बेटियां? मेरी है 7 बेटियां। ते रिश्ता किंदा किंदा कर गई थी? मैं रिश्ता अपने अंच कीते हैं ना, ते मैं मेरी अज बैठियां हैं दो लड़कियां बैठियां। दो लड़कियां बैठियां ने? दो लड़कियां बैठियां ने। दो लड़कियां वास्ते अगर कोई बंदा कहंदा वाजिद भाई इन्हां नाल साडे वे कोई गल बात करवा दियो, तो उन्हां वास्ते कोई खुशखबरी है? नहीं नहीं, असा अपने रिश्ते हो गए। रिश्ता अपने? जी ठीक है। और की मदद मंगन चाहनी है तू? जी अबू ने इसलिए इमदाद कुछ दीती जा। अबू फोत हो गए? जी। कैसे फोत हुए थे? जी कैंसर थी। कैंसर था? हाँ जी। कौन से गांव में रहते हैं? हम इसी गांव का नाम हराज में रहते हैं। क्या? कबीर वाले के। कबीर वाले में रहते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा करती क्या हो? मेहनत में काम करते हैं, यही मेहनत दिहाड़ी करते हैं। तो मजदूरी? बेटा आप लोग ना बोले प्लीज, तो आप लोग ना बोलें क्योंकि बच्ची ना कंफ्यूज हो जाती हैं। आप लोग उनके मोहल्लेदार हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग बोलते रहें, हमें मीडिया को कुछ पूछने दिया करो। अच्छा ये बताओ बेटा कि कितनी दिहाड़ी कमा लेती हो आप? जी दिहाड़ी होती है 300 होती है, 400 कोई दे देता है जी, इस तरीके होते हैं 300 ते 400। हाँ जी बस जी। अच्छा इतों के बड़े बड़े चौधरी ने मेरी बहन, ओ भी कोई जकात फंड कोई दाना पानी? जी नहीं दें। अम्मा जी साइड ते हो जो? नहीं देंदे जी। नहीं देंदे? नहीं देंदे। क्यों नहीं देंदे? कोई नहीं देंदे के ना दा नहीं पता नहीं स्थिति का। ओए होए होए होए। ते फिर हुन किवें गुसर बसर हो रहे तोड़ा? बस जी दिहाड़ी ना हुंदे है घर दा ही चलदा है सरकार। नाजरीन देखें ये छोटी सी नन्ही सी मासूम सी परी है, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है जब इस तरह की मैं स्टोरी करता हूँ ना, दिल खून के आंसू होते हैं। वो एक बुजुर्ग अम्मा बैठी है, 7 बच्चियों को पाला पोसा, शोहर भी नहीं है, ये ज़कात की मुस्तहिक है। अम्मा जी कोई तुम्हारा नंबर है? नंबर दसो अपना। बेटा आप खुद ही पढ़ के सुनाओ, आप खुद पढ़ के सुनाओ। 0 नहीं जोर से जरा पढ़ के सुनाओ। 0 3 0 5 7 8 2 4 5 1 0। चले यानी कि 0305 78 24 510। तो ये इनका नंबर है, किस नाम से है बेटा? जी अकमल नाम। अकमल कौन है? भाई भाई है, भाई है। ये ले अम्मा जी। तो अकमल भाई है इनका, तो मैंने नंबर स्क्रीनशॉट पे लगा दिया है, मैंने नंबर जो है ना वीडियो में लगा दिया, आप लोग इनके साथ डायरेक्ट रब्ता रख सकते हैं। तो रिश्ता इनका हुआ पड़ा है, तो क्योंकि ये जो मैं वीडियोस कर रहा हूँ ना बड़ी सीरियस वीडियोस कर रहा हूँ, तो ये रियल में हकदार बहने हैं। तो अपने मेज़बान वाजिद अली को इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।